सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हमारी MT-15 में हमने जो टेल टैडी लगाए उसके साइड इफेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी जस्ट मैं घर की ओर निकल रहा हूँ राइड खत्म करके, उसकी भी वीडियो जल्द ही आएगी। तो वैसे कुछ वैसे दिक्कत हो रही थी और आज वैसे मौसम तो वैसे काफ़ी बढ़िया लग रहा था, फिर भी यार सर्दियों में भी वैसे बारिश हो रही है यार, कुछ भी यार। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी बाइक में अब जब टेल टैडी लगाते हो तो वैसे जो टायर हगर है, टायर मडगार्ड है, वो वैसे निकाल ही देते हो। तो मैंने भी निकाल दिया है, तो उससे वैसे काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम वगैरह है वो आ रही है। तो यहाँ पे वैसे नंबर प्लेट है, वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सब धूल और धूल है वो चिपक चुके हैं। थोड़ी सी वैसे बारिश का पानी है वो यहाँ पर लग गया था। हमारी टेल लाइट है वो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा कीचड़ है वो है, लेकिन इतनी ज़्यादा वैसे बारिश नहीं थी, लेकिन मुझे यार वीडियो शूट करने का एक चांस मिल गया बारिश हुई तो। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सब ये पीछे का जो पोर्शन है वो वैसे ख़राब हो चुका है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमने तो वैसे मडगार्ड है वो वैसे निकाल दिया है। तो यार ऐसी दिक्कतें वगैरह है वो आती रहती है। थोड़ी सी नॉर्मल सी बारिश में भी यार ये जो चैन कवर है वैसे इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो आप सोचो कि यार आप टेल टैडी लगाए हो और जम के बारिश हो तो आपका हाल कैसा होगा। तो यार ये जो नट है वो वैसे लूज़ हो चुकी है। तो हमारी चैन है वहाँ पे मैंने थोड़े दिन पहले लुब्रिकेशन वगैरह है वो करवाया था, लेकिन हमारे टेल टैडी की वजह से हमने जो मडगार्ड है वो निकाल दिया, तो हम ये प्रॉब्लम वगैरह है वो भी फेस कर रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही जो जंग वगैरह है वो लग चुका है, मतलब कि धूल मिट्टी वगैरह है वो लुब्रिकेंट्स के साथ चिपक चुका है। तो आप ये जो एलॉय है वो भी देख लो कैसा हो रखा है, यहाँ पे सब धूल ही धूल देख रहे हो ना। ऐसी प्रॉब्लम वगैरह है वो आती रहती है। तो ये जो मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट बताया तेल टैडी के, वो तो वैसे नॉर्मल है, और मैं अभी जो साइड इफ़ेक्ट बताने वाला हूँ वो वैसे आपको वैसे लगेगा कि यार ये कैसा साइड इफ़ेक्ट। तो यार जब मैं राइड करता हूँ बिना हेलमेट के, तो यार बालों में है ना ये जो छोटे छोटे पत्थर है टेल टैडी की वजह से यहाँ पर लगते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कितने सारे, यहाँ पर तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब वैसे हमारे बालों में चिपक जाते हो, और फिर हम जब नहाते हो तो यार इतनी ज़्यादा खुजली आती है कि यार यहाँ पे क्या हो गया। तो फिर पता चलता है कि यार हमारी टेल टैडी की वजह से जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो वैसे बालों में चले जाते हैं। तो ऐसे इतने सारे जो साइड इफ़ेक्ट वो होते हैं। तो हमारे ये जो भाई है वो मिल गए थे, आपका नाम क्या है? संजू नाम है। तो उसने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया, तो वैसे यहाँ क्या ही है, तो उसको वैसे बाइक वैसे पसंद आ गई है। तो अभी वैसे वीडियो को कंटिन्यूस करते हैं। तो जो लोग अपने साथ बैग वगैरह है वो नहीं लेके चलते, उन लोगों को मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यार आप ज़रूर बैग वगैरह लेके ही चले जब आप बाइक में जो टेल टैडी है वो लगाते हो तब, और नहीं लगाते हो तो भी आप लेके चले। बारिश के टाइम में काफ़ी कीचड़ वगैरह है वो पीछे आ जाते हैं। तो अभी मैं आपको मेरी बैग भी दिखाता हूँ। आज मैं बैग लेके गया तो मुझे अच्छा बेनिफिट मिला, लेकिन मेरे पास थी बैग में एक टी शर्ट तो कोई प्रॉब्लम ना होता, लेकिन आप कुछ लेके नहीं चलते तो आप वैसे क्या ले दिखाओगे लोगों को, पीछे पीछे क्या दिखाओगे। तो वीडियो है वो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, रहना सेफ, राइड एंड सेफ ड्राइव।